ईद की नमाज की बहुत सारी शर्तें हैं कि ईद के दिन ख़ास तौर पर दो रकात नमाज अदा करना और खुतबा देना, ये ईद के अहम तरीन शराइत में से। ईद की नमाज कोई पढ़ ले मगर खुतबे में शरीक ना हो तो वो खुतबे की बरकत से और उसके वजूब से महरूम हो गया। कि ईद के दिन भी कोई आदमी ताखिर कर सकता है या जल्दी मस्जिद से या ईदगाह से जा सकता है, ये तो इंतहाई अफसोस की बात है। इसीलिए हाज़रीन ख़ास तौर पर के नमाज़ जुमा में खुतबा नमाज से पहले दिया जाता है और ईद में खुतबा नमाज के बाद दिया जाता है ताकि लोग इसकी बरकत से महरूम ना हो जाएं।